बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं तालीमी बाग में और इस बाग की क्वालिटी ये है कि यहाँ पे जुरासिक पार्क भी है, जू भी। आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक कर लें। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बॉट्स के लिए अलग से एक जगह मुख्तस की हुई है। यहाँ पे सिर्फ बॉट्स वगैरह चल यूज़ किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो आगे इसके मजीद काफ़ी बड़ा पार्क है, तो उसमें आगे जाके मजीद जाके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, देख सकते हैं आप सामने, देखें ये देखिए मेरे राइट साइड। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हाउस ऑफ नन। तो इसका भी कोशिश करेंगे कि टाइम अगर हमारे पास सेफ रहा तो हम अंदर का भी विजिट करेंगे। तो आइए मस्जिद चल के देख लेते हैं, आते जाते हैं। आइए दोस्तों, मेरे आप देख सकते हैं मेरे अकबर में है मिनी जू। तो अंदर के भी वीडियो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें। तो आइए मेरे साथ, आइए दोस्तों। देख सकते हैं टिकट पर हेड है 50 रुपीज़, दो दीजिएगा प्लीज़, शुक्रिया। तो टिकट हमने ले ली है, तो अंदर जाके देख लेते हैं। आइए फैमिली से ख्याल रखना है। जैसे दोस्तों हम जू के अंदर हैं, तो ये काफ़ी ड्रग्स वगैरह और काफ़ी बहुत से और सब ड्रग्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आइए तो मुझे जाकर देख लेते हैं अंदर दोस्तों। एक्वेरियम में देखें कैसे कितने प्यारे फिशेज हैं यहाँ पे। आइए कैटल्स वगैरह देखिएगा, देखें कैटल्स भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी कैटल्स हैं। ये देखिए पैरट्स वगैरह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखें। देखिए जो छोटा क्रोकोडाइल दोस्तों, ये कितने प्यारे फिशेस हैं यहाँ पे। दोस्तों हमने पूरा इसको आपको विजिट करा दिया यहाँ का, पूरे तमाम जितने भी यहाँ पे बर्ड्स हैं। ये जैसे तमाम वीडियो गेम का भी यहाँ पे सेटअप है बच्चों के लिए।
चले दोस्तों आगे चल के देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों चस्का फूल भी है, मतलब छोटा सा एक फूड पॉइंट बनाया उन लोगों ने। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी आपको फास्ट फूड। देखिए देख सकते ये भी बहुत ही प्यारा प्ले ग्राउंड है। अच्छा बाकी अदरवाइज में क्या अच्छा लगा आप लोगों को? यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज लगी वो जुरासिक पार्क है। जुरासिक पार्क ठीक है, न्यू है एकदम, ठीक है, सबके लिए यूजर्स के लिए बनाया अभी। ओके, हम बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चलें माशाल्लाह। आप लोगों का नाम है मुल्तजम कुरैशी वर्ल्ड विद आर्ट। मुल्तजम कुरैशी वर्ल्ड विद आर्ट, वन सेकंड, मुल्तजम कुरैशी वर्ल्ड विद आर्ट। अच्छा, इसीलिए इधर आए थे सिलसिले में कि एक सर्वे भी हो जाता, थोड़ा सा हम एंजॉय। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, आयशा मंजिल से। ये आयशा बिहाइंड आयशा मंजिल ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया, और आपको आयशा मंजिल से पहले जो अर्शी शॉपिंग सेंटर है, ठीक है, उससे पहली वाली गली जो है वो सीधी ताली में बाग की तरफ आ रही है। बिल्कुल, चले इंशाल्लाह अभी चलते हैं जुरासिक पार्क की तरफ। मेरा 20-30 मिनट्स वहाँ पे सर्फ हो चुके, लेकिन मुझे वहाँ से बाहर आ रहे हैं, सेंसर लगे हुए वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो डायनासोर्स वगैरह जितने हैं उनकी हिस्ट्री लिखी हो, बकायदा आपको ऐसा लगेंगे कि आप रियल लाइफ में वो आपकी सरफेस ही ना लेके जा रहे हो। अच्छा, इन भाई साहब का नाम जुडेल भाई है, इनके चैनल का नाम है मुल्तजम कुरैशी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आप ये भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं मुल्तजम कुरैशी वर्ल्ड विद आर्ट। बहुत मुश्किल नाम है भाई इसको, तो सर्च पता नहीं कैसे होगा, आप लोग करेंगे मैं आप लोग सर्च कीजिएगा उसको, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज इनको भी फॉलो जरूर कीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत तो फाइनली हम जुरासिक पार्क के अंदर इंटर हो चुके हैं दोस्तों, तो मज़ीद अंदर जाके देखते हैं अंदर। तो बहुत ही प्यारा ऐसे एक डायनासोर से बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप। अच्छी रबर फॉर्म में ये बने हुए सब, तो आइए चल के मज़ीद आगे जाके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम ओरिजिनल लग रहा है, देखें जैसे अपनी फैमिली से जरूर आइए यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ का विजिट जरूर कीजिएगा। देखिए मेरे पीछे कब में देखिए किंग कॉन्ग बीच, आइए देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम रियल लग रहे हैं हर चीज़ें। देखें आप जैसे देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखाइए प्लीज, इनकी बोबल भी अच्छी खासी हो रही है, देखिए मशीन से बनाया गया और बहुत ही बेहतरीन। इनके नीचे देखिए डायनासोर की हिस्ट्री वगैरह भी नीचे मेंशन की हुई है, ये मैं साथ दोस्तों देखिए आप, आइए
देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देखिएगा, देखिए देखिए दोस्तों आप बहुत ही प्यारे तरीके बनाए जो पार्क बनाए हुए, देखिए आइए मुझे चलते हैं आगे, आइए साहब अच्छा ये डायनो अटैकिंग जीप है देखें, डायनासोर का ऐप भी है देखें, डायनासोर है देखिए, ये डायनासोर का एक ऐप बनाया दिखाया है आपको, तो पीछे देखिए डायनासोर ये बिल्कुल रियल लग रहा है, इसको पीछे देखिए ये देखिए दोस्तों पूरे देखें डायनासोर को दिखाई दे पाने लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूवमेंट भी बहुत अच्छी हुई है देखें, अच्छा इन चीज़ों को टच नहीं कर सकता मैं, सख्ती से बना है यहाँ पे देखें, सुबह दूर दूर से देख सकते हैं इनको देखें, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये देखिए अच्छा ये पाकिस्तान में पहले ये जुरासिक पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कि कराची में है, हर चीज ओरिजिनल लग रही है यहाँ पे, ऐसा जैसे ओरिजिनल डायनासोर है यहाँ पे देखिए जैसे, ये देखिए दोस्तों लेकिन कि बिल्कुल देखिए आप जैसे ओरिजिनल लग रहे हैं,
इसको, वो 3 साल इसको बने हुए हैं। अच्छा सारा प्ले लैंड तो हमने कवर कर लिया, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें यहाँ पे। आइए प्लीज दोस्तों देखिए मेरे भैया कब, मैं देखें ये ट्रेन भी चली, छोटे छोटे बच्चे बैठे इसमें, बहुत ही प्यार लग रहे ट्रेन देखिए। आइए दोस्तों देखिए स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, तो अंदर देखते हैं क्या पोजीशन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, स्विमिंग पूल बीच में दोस्तों आगे देखें, सामने भी एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ। अभी जो चुके लोग कैमरा मैन हमारे दिखा सके, तो अभी इस टाइम बंद हो चुका है। तो चलो कभी दिन में आइए और देखिए इसका, एंजॉय कीजिए प्लीज। आइए अच्छा दोस्तों, से जो स्विमिंग पूल की टाइमिंग है 3 से दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक है, बस इसी टाइम में आइएगा। मेरे दोस्तों ये ट्रेन आ रही है सामने से, इसका टिकट कितना खास है? 50 रुपये। 50 रुपये टिकट है? जी जी। इस टाइम जिमी भाई मेरे साथ हैं, ये यहाँ के वेंडर हैं, तो आइए इनसे मिलके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई। वालेकुम सलाम। जी जिमी भाई, थोड़ा सा एक तो ये अपना बोट राइडर के बारे में, थोड़ा राइड के बारे में बताइएगा, और थोड़ा जू के बारे में। जू में खाने में शायद आपको, ये पार्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 1980 के टाइम से, उस टाइम से ये पार्क जो है ना बनना स्टार्ट हुआ था, ये बना था। बीच में कुछ मामला ऐसे हुए थे कि ये पार्क पब्लिक के लिए बंद रहा था, इसके बाद दोबारा जो है ना इसको रिकंस्ट्रक्शन कराई गई, तरक्याती काम अभी भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे नए आइडियाज के साथ लाई गई, जिसमें बोर्ड राइड दोबारा ऑन की गई, जू यहाँ पे बनाया गया है, हॉन्टेड हाउस यहाँ पे बनाया गया है, नए तरह के झूले ले आए, डाइनो वर्ल्ड यहाँ पे खोला गया है, जुरासिक पार्क। तो ये लेवल की एक्टिविटीज है। यहाँ पे जो फैमिलीज आती है ना, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आता है, हमारा टारगेट ऑडियंस ही यही है। ये वो तफरी है जो अपर मिडिल क्लास को तो मिल जाती है हर जगह पे। ये डायनासोर वगैरह डिफरेंट तरह के मॉल्स में भी खुले हैं, इस तरह के हॉन्टेड हाउस भी डिफरेंट जगहों पे, लेकिन इस तरह की जो क्वालिटी वाइज जो तफरी है ना, वो मिडिल क्लास को कम मिलती है। तो हमारा ये था कि इस तरह की पब्लिक को हम ईयरली एक्टिविटीज़ यहाँ पे दे, और खुसूसन फैमिलीज के लिए पार्क बनाया। आपने देखा होगा यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज की एंट्री है, ताकि माहौल साफ सुथरा रहे, और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज का भी इंतजाम है, हर तरह की चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी भाई, इस पार्क की टाइमिंग क्या है, शेड्यूल के बारे में बताइए। सर टाइमिंग वैसे ये नॉर्मल डेज के अंदर है ना, यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज है वो 4 बजे से ऑन हो जाती है, 4 बजे से ऑनवर्ड्स 11 बजे तक। अच्छा 4 to 11 टाइमिंग, 4 to 11 एक एवरेज टाइमिंग है इसकी। बड़े बड़े जो खास दिन आते हैं उसमें थोड़ा जल्दी भी खुल जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 4 से 11 बजे। संडे ओपन? संडे ओपन, करीब से करीब आप रह सकें। अगर इसको हम बड़ा बनाते हैं तो फिर जू और पेटिंग जू में क्या फर्क रह जाता? अच्छा जुरासिक पार्क को यहाँ पे बना कितना, जुरासिक आप तो यहाँ पे होते हैं, जुरासिक पार्क को कुछ साल ही हुए हैं, ज्यादा पुराना नहीं है। जब ये पार्क का नया टेंडर हुआ था, 3 साल का सुना है कि 3 साल तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए हैं इसको यहाँ पे, उसको नॉर्मली 30 ईयर्स हो गए हैं अभी तक पार्क को। तो बहुत, मैं कह रहा हूँ ना 1984 में ये पार्क बना था, तो ये पार्क को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन टाइम वाइज इसकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज होती रही है, लेकिन अब जो मैनेजमेंट इसकी आई है वो अब तक की सबसे बेस्ट रही है, क्योंकि कभी भी इतना तरक्याती काम हुआ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जिमी भाई, थैंक यू। एक बंदे के जू के 50 रुपीज़ है, नन हाउस के जो हमारा हॉन्टेड हाउस है वो आज क्लोज है मेंटेनेंस की वजह से, उसके 100 रुपीज़ हैं, ट्रेन के 50 रुपीज़ हैं, डायनासोर के 100 रुपीज़ हैं, इंडोर प्ले एरिया के 50-60 रुपीज़ के हिसाब से हैं, बम्पर कार के 100 रुपये में 2 लोग बैठ जाते हैं, स्विमिंग पूल है उसके 100 रुपीज़ हैं, डिफरेंट तरह की राइड्स हैं उनके 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ इस तरीके से चार्जेस हैं। बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया है उसके 100 रुपीज़ हैं। प्लान है कोई इसमें मजीद कुछ एडिशन पे मजीद देखें, जो टाइम बाई टाइम जो भी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में आती जाएंगी ना उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। यहाँ पे अभी इंशाल्लाह न्यू राइड्स भी आएंगी, न्यू दूसरी एक्टिविटीज भी होंगी टाइम बाय टाइम, क्योंकि बीच में जो 2 साल का गैप था ना ये पार्क उसमें बंद रहा है, ठीक है, कोविड तो जो प्लानिंग जो थी ना कोविड की वजह से वो स्टॉप हो गई थी, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे इधर। सो वेरी नाइस जिमी भाई, थैंक्स फॉर टाइम देके, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलते हैं आगे, जाके मस्जिद जाके देख लेते हैं, तो और मस्जिद क्या है इस बात में? ये है कि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए फैमिली के साथ आए थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए और भी एक्टिविटीज़ हैं, और
झूले भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया, पार्क भी बहुत खूबसूरत कर दिया, सफाई का भी बहुत अच्छा ख्याल एहतमाम किया हुआ इन्होंने, और फैमिली भी बहुत आराम से पुरसकून अपना इंजॉय कर रही है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप परेशान हों या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम आ सके। अच्छा, अपने व्यूअर्स का मुझे बताइए कि यहाँ पे फैमिलीज को आना चाहिए क्या? बिल्कुल 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 फैमिली को यहाँ पर आना चाहिए और बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको खुद स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली से जरूर आइए, क्योंकि इस पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेशल और स्पेसिफिक जो चीज़ है वो है जुरासिक पार्क। आप यहाँ पे जरूर अपनी फैमिली के साथ आइए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।